आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन टीका पेंटाभैक। पेंटाभैक किसको बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम लिखा हुआ है पेंटा, पेंटा मतलब होता है पांच। इसका मतलब कि ये जो वैक्सीन है इसमें पांच पांच वैक्सीन मिला के बनाया गया है, यानी पांच बीमारी से बचने के लिए ये वैक्सीन को तैयार की जाती है। पहले क्या था ना कि ये वैक्सीन को अलग अलग डिवाइड किया जाता था, अलग अलग से होता था। इसमें क्या था, इसमें देखिए पेंटाभैक में क्या होता है, सबसे पहला डिप्थेरिया होता है इसमें, डिप्थेरिया है ना, डिप्थेरिया का टॉक्सिन होती है इसमें। नंबर टू, दूसरा होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस ये भी बैक्टीरिया है। नंबर थ्री टीटेनस, टीटेनस ये भी बैक्टीरिया है। उसका नंबर फोर हीब, ये भी बैक्टीरिया है। और नंबर फाइव हीपेटाइटिस बी, हीपेटाइटिस बी ये वायरस है। तो देखिए कि टोटल पांच तरह के एंटीजन को मिला करके ये बनाया गया है पेंटाभैक। जैसे पांच तरह के कौन कौन सब हो गए, अब एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पहला नंबर जो है यह है डिप्थेरिया, जो कि पहले बताए थे आपको कि डिप्थेरिया पर्टुसिस और टेटनस ये तीनों को मिला के जो है ना डीपीटी बनता है, डीपीटी तीनों को मिला के पहले डीपीटी ही आता था, पहले डीपीटी आता था, आज भी डीपीटी है। लेकिन अब क्या किया गया ना कि पांचों को मिला के एक साथ बना दिया। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को तकलीफ कम होगा, एक ही जगह पर इंजेक्शन देना पड़ेगा। पहले क्या था ना, डीपीटी को लिए अलग देना पड़ता था, हीव के लिए अलग, हेपेटाइटिस बी के लिए अलग, तो तीन जगह प्रिक करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है ना, एक ही जगह पे उसको क्या करते हैं, उसको प्रिक करके और एक जगह से इंजेक्शन दे देते हैं। तो इसमें तीन बताया, तो पांचों के बाद बताते हैं। डिप्थेरिया जो होती है ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम होता है कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि थ्रोट में इन्फ्लामेशन करता है और कई क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है, स्पाइक्सिया हो जाता है बच्चों को और बच्चों की इसमें डेथ हो जाती है। पहले ज्यादा होता था, ये बहुत हाईली कम्युनिकेबल बच्चों में था। नंबर टू पर्टुसिस, ब्रोडीटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। इससे जो होता है ना हुपिंग कफ होता था, उसको बोलते हैं कुकुर खांसी बोलते हैं। नंबर थ्री टिटनस, इसमें जो स्केलेटल मसल्स होती है अबनॉर्मल स्पाज्म हो जाता है, टीटेनी कंट्रैक्शन स्पास्टिसिटी। ये बैक्टीरिया होती है किसकी, इस बैक्टीरिया का नाम था क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो ये तीन को बैक्टीरिया देखिए कितना डेंजर है। चौथा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी बेसिलस, ये जो होती है ना बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, न्यूमोनिया स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन प्लस ब्रोंकाइटिस फेरिंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस एंड सिनुसाइटिस ओटाइटिस मीडिया। ये सब जो होता है ना इस बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। और अगला हेपेटाइटिस बी, ये वायरस है, हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजर वायरस है ये, और ये वायरस लीवर में इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर ये प्रोड्यूस करवाता है हेपेटाइटिस बी। और प्लस और भी इसके एंटीबॉडी के कारण और भी डिजॉर्डर्स बॉडी में देखने को मिलता है। तो अब ये जो बता रहे हैं आपको, ये पांच तरह का जो हम बता रहे हैं ऑर्गेनिज्म, पांचों से पांच तरह के डेंजरस डिजीज डेवलप होता है सभी से। तो इस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन को तैयार किया जाता है, तैयार है, इसको हम देते हैं। इसमें अब देखते हैं हम लोग कैसे देते हैं और किस समय देते हैं। सबसे पहला नॉर्मल एज, नॉर्मल एज किस समय इसको दिया जाता है, इसका जो एज होता है डोज के हिसाब से है, इसका जो डोज के हिसाब से टोटल इसका एज बनाया गया है। लेकिन जो नॉर्मल एज होता है बिलो 18 मंथ 18 महीना से पहले, तो इसके लिए क्या होती है, कैसे कैसे इसको दिया गया है। तो अब आते हैं इसका डोज, नंबर ऑफ डोज, इसका चार डोज होता है, याद रखना है इसका चार डोज होता है, तीन डोज
लगातार महीने महीने देते हैं, कब से देते हैं बता देते हैं। देखिए फर्स्ट डोज देते हैं कब, 6 वीक से लेकर और 10 वीक के बीच में, है ना, 6 वीक टू 10 वीक। दूसरा डोज, सेकेंड डोज इसके 1 महीने के बाद, पहला डोज के 1 महीने के बाद, याद रखना होगा, पहला डोज के 1 महीने के बाद यानी 10 वीक से लेकर के और 14 वीक में, कब, 1 मंथ इंटरवल, याद रखना होगा, दोनों के पीछे कितना गैप होना चाहिए, 1 मंथ इंटरवल। अब आया तीसरा डोज, थर्ड कब देते हैं, थर्ड देते हैं हम लोग 14 वीक से लेकर के 18 वीक, इसमें भी कितना इंटरवल होना चाहिए, 1 मंथ इंटरवल, यानी कि तीनों के बीच में एक एक महीने का इंटरवल होना चाहिए। इसके बाद अगला डोज होता है बूस्टर। बूस्टर डोज कब होता है, 18 मंथ में, 18 मंथ। अब ये तो हो गया नॉर्मल बात है, कभी कभी क्या होता है कि अगर इस शेड्यूल में बच्चा छूट जाता है तब तो क्या करते हैं उसको, तो हम लोग दे सकते हैं आगे 5 ईयर्स तक दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कारगर नहीं होती है, अच्छा उतना काम नहीं करता है, इसलिए हमें इस एज में आना जरूरी होती है। तो ये हो गया मेरा क्या, नॉर्मल एज। अब बात करते हैं इसका अमाउंट एंड साइट पे, कितना अमाउंट लेते हैं, किस साइट पे देते हैं। देखिए पेंटाब्लैक के लिए, इसके लिए सबसे पहला अमाउंट कितना होना चाहिए, पहले क्या था ना कि सबको 0.05 देते थे, तो 0.5 अलग अलग देना पड़ता था, अब तीनों मिला के कितना हो गया, एक साथ 0.5 ml में ही सब हो जाता है, है ना। नंबर टू, अब आता है साइट, कहां पे देते हैं। देखिए इसका साइट होता है थाई, है ना, ऑलवेज थाई में देते हैं, याद रखना। और थाई में कहां देते हैं, IM, थाई में देंगे IM। चलिए ये तो दे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसका एडवर्स इफेक्ट, इसको देने से दिक्कत क्या होगी, एडवर्स इफेक्ट, जहां पे सुई देते हैं ना वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होता है, फीवर होता है, बच्चों में ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो दर्द भी होगा, स्वेलिंग भी होता है, तो ये सब जो होता है वहां पे होगी। हमको करना क्या चाहिए, प्रिकॉशन क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इसके लिए कि वहां पे ठंडा पानी अप्लाई करेंगे या बर्फ से सेक देते हैं, याद रखना, गर्म पानी वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठंडा पानी बर्फ सेक देते हैं थोड़ी देर के बाद से। ज्यादा दिक्कत होता है अगर बाई दिवे तो हम लोग पैरासिटामोल दे सकते हैं, थोड़ी सी दे सकते हैं पैरासिटामोल, कोशिश करना चाहिए अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा बच्चों को दर्द होता है तो 125 मिलीग्राम में हम लोग पैरासिटामोल का सिरप उसको दे देते हैं। दर्द होता है तब भी, बुखार होता है तब भी, क्योंकि इसमें बुखार भी लगेगा और दर्द भी होता है क्योंकि ये पेनफुल होती है, याद रखना होगा। अब पेनलेस वाला जो होता है अलग से आता है पेनलेस, उसके बारे में बताएंगे आपको बाद में, लेकिन ऑलवेज पेनफुल लेना भी चाहिए, ये फायदेमंद भी होती है, याद रखना होगा, पेनफुल फायदेमंद अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में क्या करेगा ना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो उसके कारण तो दर्द होगा ही ना, बुखार होगा ही। तो ये था मेरा पेंटाब्लैक के बारे में, बाकी फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वैक्सीन। थैंक्स।